हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं कि पीआईआर क्या होता है, पीआईआर सेंसर कैसे वर्क करता है, पैसिव इंफ्रारेड सेंसर। यहाँ पर मेरे हाथ में एक पीआईआर सेंसर है, देख सकते हैं आप। ये इसके पिन आउट्स हैं, तीन पिन आउट्स हैं। यहाँ पर एक आईसी लगी हुई है ब्लैक कलर की। आईसी के जस्ट पास वाला टर्मिनल फर्स्ट नंबर, ये ग्राउंड होता है, ये ग्राउंड हो गया। मिडिल वाली जो पिन है, मिडिल पिन से आउटपुट जनरेट होता है, आउटपुट के लिए यूज़ होती है मिडिल पिन। देन लास्टली लास्ट पिन को VCC पावर सप्लाई। यहाँ पे हम 5 वोल्ट से इसमें 12 वोल्ट तक दे सकते हैं। फिर यहाँ पे सेंसिटिविटी एडजस्ट करने के लिए जस्ट ये वाला है चिप के पास वाला जो ये पॉट है, वो सेंसिटिविटी एडजस्ट करेगा कि आप PIR सेंसर को 3 मीटर से 9 मीटर 7 मीटर तक एडजस्ट कर सकते। फिर ये टाइम एडजस्ट करने का है, जस्ट उसके पास में टाइम आप 3 सेकंड से बढ़ाकर 5 मिनट तक का डिले इसमें पॉट थ्रू जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे ये कुछ है, यहाँ पे भी इसमें 3 टर्मिनल हैं, जैसे कि इसमें है 3 टर्मिनल, वैसे ही इसमें भी 3 टर्मिनल है। ये येलो कलर का जो लगा हुआ है वो एज अ जम्पर है। अगर ये सामने सेंसिटिविटी और टाइम, ऐसा छोटा सा समझिए कि सेंसिटिविटी और टाइम के पास अगर लगा हुआ है आगे की तरफ और पीछे के पिन को खाली छोड़ दिया है, तो सिंगल मोड में वर्क कर रहा है। ये सिंगल मोड मीन्स कि सिंगल ट्रिगर ही होगा, जैसे कि PIR के सामने 110 डिग्री वर्क करता है, 110 यहाँ से 110 यहाँ से कवर करता है। कोई भी सामने आता है तो ये मोशन डिटेक्ट करेगा, देन आउटपुट जनरेट करेगा। सिंगल बार ही कोई आएगा, एक बार ट्रिगर होगा, ये आउटपुट जनरेट होगा, बल्ब ग्लो होने लग जाएगा। अपन LED लगाएंगे अभी, यहाँ पे LED ग्लो होगी। जैसे ही सिंगल बार ट्रिगर होगा, LED ग्लो होगी और टाइम यहाँ से सेट करेंगे कि कितने देर तक वो LED जलेगी। देन उसके बाद अगर इस येलो जंपर को उठा के पीछे के 2 टर्मिनल पे कर दिया जाए, तो मल्टीपल बार ये ट्रिगर होगा और जैसे कि टाइम डिले ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। जैसे कि अगर 1 मिनट का डिले सेट किया हुआ है, 1 मिनट का डिले सेट किया हुआ है अपन ने, और 55 सेकंड के बाद कोई दोबारा इसके सामने मोशन कर दिया, मोशन डिटेक्ट हुआ, तो अगेन वो 1 मिनट तक आगे बढ़ जाएगा। ये देखिए, मैंने इसको यहाँ पे लगाने का ट्राई किया है, आगे के एक पिन छोड़ के पीछे की 2 पिन पे अगर इसको लगा दूँ तो ये मल्टीपल बार ट्रिगर होगा। अभी फिर मैंने इसको सिंगल ट्रिगर पे कर दिया है क्योंकि यहाँ पे सिंगल ट्रिगर ही बेटर रहता है। अप्रॉक्स आप अगर किसी रूम पे जा रहे हैं, PIR मॉड्यूल वहाँ पे लगा हुआ है, तो जनरली वो अगर 5 मिनट के लिए सेट है, 1 मिनट के लिए सेट है, तो आराम से आप अपना काम कर सकते हैं सिंगल ट्रिगर पे। अगर आपको मल्टीपल ट्रिगर चाहिए, देन आप इस येलो जंपर को उठाकर पीछे कर सकते हैं। आपका जो ये प्रोसेसर है, ये वाला प्रोसेसर, वो रीड करेगा, देन मल्टीपल बार वो ट्रिगर करेगा। यहाँ पे एक ये डायोड लगा हुआ है, जेनर डायोड है। जेनर डायोड का यहाँ पे काम है रिवर्स करंट को फ्लो होने से रोकना। जो अपन यहाँ पे सप्लाई देंगे उससे रिवर्स करंट ना फ्लो हो, सर्किट के दूसरे एलिमेंट ख़राब ना हो, उसलिए यहाँ पे प्लेस है। 4 कैपेसिटर लगे हुए हैं यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, और यहाँ पे एक 3.3
वोल्ट का डीसी कन्वर्टर लगा हुआ है। और कुछ ये एसएमडी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। चलिए तो जान लेते हैं इसको, इस पर वर्क कैसे करना है। ये डबल साइडेड पीसीबी पे बना हुआ है, देख सकते हैं ऊपर भी लेयरिंग है इस पर और नीचे भी लेयरिंग है, ग्रीन मास्क किया हुआ है पीसीबी पे। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, प्राइस भी इसकी काफ़ी लो है। अगर आप बनाना चाहते हैं पीआईआर का कोई प्रोजेक्ट तो बिल्कुल बनाइए, बहुत ही इजी है। कोई भी अगर चीज़ें टफ़ लगती हैं तो नीचे कमेंट पर लिखिए, मैं आंसर दूंगा आपको। और चलिए देखते हैं ब्रेडबोर्ड पर कैसे इसको बनाएंगे। पहले तो कंपोनेंट चाहिए ब्रेडबोर्ड के ऊपर, पावर सप्लाई जनरेट करेंगे, कुछ वायर्स चाहिए, 7805 की आईसी, एक एलईडी और 220 ओम का एक रेजिस्टेंस और कनेक्टर वायर्स। अपने पास पीआईआर में 3 पिन आउट हैं, मिडिल पिन ट्रिगर करेगी, ट्रिगर आउट रहेगा उससे, एक ग्राउंड देंगे और एक वीसीसी। वीसीसी के लिए रेड वायर लिया मैंने, ग्राउंड के लिए ब्लैक और आउट के लिए ग्रे। सबसे पहले यहाँ पे 7805 की आईसी कनेक्ट करते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने कनेक्टर्स कनेक्ट कर दिए हैं। आईसी के जैसे पास वाला पॉइंट है, मैंने बताया था आईसी के पास वाला पॉइंट जस्ट मैंने ग्राउंड कंसीडर किया है ब्लैक वायर से। सबसे लास्ट वाला पॉइंट मैंने रेड वायर से कनेक्ट किया हुआ है, प्लस पावर सप्लाई देने के लिए ब्रेडबोर्ड से देंगे पावर सप्लाई अभी, और मिडिल वाला ट्रिगर आउटपुट जनरेट करेगा, उसको एलईडी पे देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और इसमें मैं सॉफ्टवेयर के थ्रू पीसीबी भी बना के बताऊंगा, वो उसमें रिले भी यूज़ करूंगा और एसी पावर भी देंगे। जब ये पीआईआर ट्रिगर होगा, जैसे ही ये ट्रिगर होगा वैसे ही रूम का बल्ब जलेगा एसी 230 वोल्ट। ब्रेडबोर्ड पर कुछ ऐसे कनेक्शंस होंगे, इसके पॉजिटिव साइड कनेक्ट होगा, ग्राउंड को ग्राउंड पर दे देंगे, और जो आउट टर्मिनल है, आउट टर्मिनल को आप पीसीबी पर कहीं पर भी लगाइए, उसके साथ एक रेजिस्टेंस और एक एलईडी लगाते हैं। इसके बाद आउट टर्मिनल के साथ मैंने 220 ओम का एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है, एलईडी भी मैंने यहाँ पे लगा दिया है 220 ओम रेजिस्टेंस के बाद एलईडी, प्लस मैंने पीसीबी का कंसीडर किया है प्लस और माइनस जो है वो 220 ओम रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट किया हुआ है। देखिए मैंने यहाँ पर पावर सप्लाई दे दिया है, 7805 में पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया है और ब्रेडबोर्ड के माइनस पर ग्राउंड वायर ब्लैक कनेक्ट कर दिया। देन यहाँ पे थोड़ा सा मोशन हो गया था तो एलईडी ऑन हो गई है, सिंगल ट्रिगर पर है। सिंगल ट्रिगर मेरा 1 मिनट 8 सेकेंड तक का मैंने सेट किया हुआ है वहाँ पे। आप भी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से पीआईआर सेंसर पर इजीली सेट कर सकते हैं। सेंसिटिविटी भी सेट करिए कि आपको कितने डिस्टेंस पर आपको इसको सेंस करवाना है। ओके, तो यहाँ पर एलईडी ऑफ हो गई है। ओके, तो यहाँ पे ये मेरा हैंड पीआईआर के सामने जैसे ही गया, सेंस किया, 1 मिनट 8 सेकंड का सेट है यहाँ पर, 1 मिनट 8 सेकंड तक ये जलेगा। थोड़ा सा वीडियो मैंने यहाँ पर कट कर दिया है,
अभी भी बल्ब जल रहा है, देन ये बुझ गया। अब यहाँ पे ये मेरा हाथ, बल्ब ऑफ है, ले जा रहा हूँ मैं पावर सप्लाई, यहाँ पे 110 डिग्री एंगल पर वो डिटेक्ट करेगा। हैंड कर लिया, एलईडी वापस 1 मिनट 8 सेकंड के लिए ग्लो हो गई। सिंगल ट्रिगर है ये, दोबारा ट्रिगर नहीं होगा। अगर यहाँ पर ये मल्टीपल ट्रिगर होता, मैं यहाँ पर दोबारा हाथ लेके जाता, वो 1 मिनट 8 सेकंड के लिए फिर से ट्रिगर हो जाता, 1 मिनट 8 सेकंड के लिए वापस एलईडी ग्लो हो जाती। तो ये रहा पीआईआर का नॉर्मल डिस्क्रिप्शन और पीआईआर कैसे वर्क करता है। पीआईआर की ये टेस्टिंग थी, ओनली टेस्टिंग कि पीआईआर जो आप मार्केट से लेके आए हैं वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर उसको नॉर्मली अपन ने टेस्ट किया, आउटपुट मोशन दिए, यहाँ पर इसको मोशन डिटेक्ट किया, एलईडी पे आया, एलईडी ग्लो हो गई। तो फ्रेंड्स कैसा लगा वीडियो, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं। जब मैं इसका पीसीबी वर्ज़न आपके सामने रखूँगा, पीसीबी लेआउट कंप्यूटर पर बताऊँगा कि कैसे बनेगा, देन ये देखिए फिर से मोशन डिटेक्ट किया, एलईडी ऑन हो गई। तो फिर ऐसे ओके, सब्सक्राइब करिए चैनल को, थैंक यू।